से पायलट बाबा आश्रम के लिए, जो कि यहाँ से डिस्टेंस की बात किया जाए तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और ये मैं अपने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, उन्होंने मैं मिला यार, उन्होंने बोला कि यार सबसे अच्छा जगह है, अगर आप आते हो तो यहाँ पे घूमो, काफ़ी मतलब आकर्षक पहले से। मैं सोचा चलो जब आ ही गए हैं तो हम भी वहाँ हो लेते हैं, वरना हम लोगों का भी प्लान हो रहा था निकलने का यहाँ से रांची की ओर, लेकिन रांची नहीं, अभी पायलट बाबा आश्रम हम लोग घूमेंगे। इसके बाद आज रात हम लोग यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, तो कैंपिंग वाला वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा भाई, और बस फिलहाल यही, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का मिस ना कर सके। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में आपको यहाँ सामने भी दिख रहा होगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ से पायलट बाबा आश्रम की ओर, और देखते हैं हम भी वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, और आपको भी दिखाते हैं। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं पायलट बाबा आश्रम, पायलट बाबा मंदिर के पास में। ये मंदिर का बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। हालांकि मैं आपको ड्रोन भी इस मंदिर का दिखाने वाला हूं, और वो ड्रोन भी यार काफ़ी कमाल का होने वाला है, और हमें उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप बाइक लेके आते हैं तो बाइक पार्किंग आपको लगाना होता है, पार्किंग चार्ज 10 रुपये करके हैं, उसका आपको टिकट कटेगा, और टिकट कटवाने के बाद फिर आपको अंदर चलने हैं। और बाकी है पूजन वगैरह, चलिए अब हम चलते हैं अंदर की ओर, अंदर का आपको दिखाते हैं अंदर का क्या नज़ारा होने वाला है भाई। तो वीडियो के यहाँ तक बने हैं तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और चलिए अभी अंदर चलते हैं, अंदर तक आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। हम अंदर आ चुके हैं, अंदर आने के बाद भाई व्यू जो है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, काफ़ी कमाल का व्यू है। मतलब आप एक बार आओ, आप एक बार आओगे तो यार आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ, और मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ दिखाऊंगा, ट्राई कीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं, सबसे पहले जो यहाँ बुद्ध जी का प्रतिमा बना हुआ है उधर आपको हम लेके चलते हैं, इसके बाद फिर आपको आगे का भी नज़ारा दिखाएंगे। पीछे में दिख रहे होंगे महात्मा बुद्ध का 80 फीट ऊंचा प्रतिमा है यहाँ पे, और काफ़ी कमाल का व्यू है भाई, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए होते हैं। और इधर मैं आपको अगर दिखाऊँ, मेरे लेफ्ट साइड में अगर आपको दीवार में दिख रहा होगा, इनका पूरा जीवनी बनाया हुआ है, और ये एक प्रतिमा के जरिए आप लोगों को बताया जाता है, दर्शाया गया है यहाँ पे। भाई काफ़ी कमाल का व्यू है। मैं अगर आपको अपने पीछे में दिखा दूं, मैं आपको एक बार इसका पूरा शॉट मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें महात्मा बुद्ध का पूरा जीवनी बताया गया है कि उनके जन्म से बाद, मतलब जन्म से शुरू होकर जब तक, मतलब उनका उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की उस समय तक का सारा जीवनी इसमें दिया गया है, कि कैसे कैसे उन्होंने क्या किया, वो अपनी पत्नी को छोड़ के गए, बच्चे को छोड़ के गए, इसके बाद फिर मतलब सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है, सारा चीज़ बताया गया है। तो भाई आप यहाँ पर आओ और विजिट करो, हालांकि उतना तो हमें भी नॉलेज नहीं है कौन से चित्र में क्या बताया जा रहा है, तो इस कारण से मैं आपको मतलब वो एक्सप्लोर करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन वो मैं चित्र आपको दिखाऊंगा, वो प्रतिमा मैं आपको दिखाऊंगा।
बाकी चलिए एक छोटा सा ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए और फिर यहाँ का जो मंदिर वगैरह जो और भी मंदिर है वो सारा हम आपको दर्शन करवाएंगे। और भाई अभी जो आपने नज़ारा देखा वो था इस मंदिर का ड्रोन शॉट। हालांकि सडनली हमें ड्रोन लैंड करवाना पड़ा, रीज़न हो गया कि एक बैक यार पानी काफ़ी ज़ोर से आ गया, काफ़ी तेज लोग इधर उधर भागने लगे, तो इस कारण से हमें ड्रोन सडनली लैंड कराना पड़ा। बाकी चलिए अभी चलते हैं, आपको मंदिर का और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रतिमाएँ हैं यहाँ पे उसको हम आपको दिखाते हैं। हमें उम्मीद है आप यहाँ तक वीडियो देखें आपको वाकई पसंद आ रहा होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप हमें ये भी सलाह दीजिएगा कि वीडियो और मैं क्या बेहतर करूँ जो आपको ज़्यादा पसंद है, या फिर आप ऐसे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपके आसपास में कोई भी ऐसा चीज़ जिसे आप यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा वहाँ आऊँ और वीडियो बना के अपलोड करूँ। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। और आप दूसरे साइड में आगे बढ़ते हैं तो जो भी संत महापुरुष हुए थे, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके यहाँ पर मूर्ति बनाए हुए हैं। हालाँकि ये कोई मूर्ति था जो कि या तो पूरा बना नहीं या तो फिर टूट चुका है। आप इधर में देख सकते हैं काफ़ी सारे संत लोग का यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया है। दूसरे साइड की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे साइड आप देख सकते हैं जो भगवान बुद्ध का प्रतिमा है उसके पीछे वाले दीवार पे उनका जीवनी इधर भी बनाया हुआ है, जो प्रतिमा के थ्रू आपको दिखाया जाता है। भाई काफ़ी अल्टीमेट वाला लुक है, भाई काफ़ी अल्टीमेट वाला लुक है। आप आ सकते हैं काफ़ी लगभग यार दो ढाई घंटे तो आराम से आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। बाकी बारिश फिर वापस से फिर से आना शुरू, आप देख सकते हैं बादल क्या रंग दिखा रहा है भाई, फिर से बारिश शुरू है, फिर हम लोगों को भाग के छिपना पड़ेगा। भागो भागो। तो भाई साहब फाइनली समय हो चुका है शाम के 6:30 और अपना वीडियो भाई फाइनली शूट हो चुका है। आज का जो वीडियो था इस वीडियो आपको यही दिखाने वाले थे। हमें उम्मीद है यार कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और आप में कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।